Hi dear students, I am Javed sir, founder and director of GoTurtle Education Gondia. Now in previous lecture, we have discussed basic chemistry lecture number 1. In that lecture, we have discussed different periods of chemistry. And these different periods of chemistry are like ancient period, alchemy period, hydro period, phylogiston period and modern period. Now, we are going to start the lecture number 2 of basic chemistry. In this lecture, we are going to define chemistry. What is chemistry? And if you know that first of all, chemistry was defined by Linus Pauling. It was defined by Linus Pauling. According to Linus Pauling, chemistry is the study of substances. It is the study of substances, their structures, their properties, and their transformation. As we know, we can convert one chemical into another chemical, and that conversion of chemicals into one another is known as chemistry and is known as transformation. Now, there are different branches of chemistry. Some branches of chemistry I am going to written here. Branches of chemistry. Broadly speaking, there are 4 branches of chemistry. Physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry and analytical chemistry. But there are lot of branches of chemistry. Some branches I am going to write here. Number 1, organic chemistry. Number 2, inorganic chemistry. Number 3, physical chemistry. Number 4, analytical chemistry. Number 5, retrochemistry. Number 6, surface chemistry. Number 7, nuclear chemistry. Number 8, lignochemistry. Number 9, Soil and agricultural chemistry. Number 10, biochemistry. तो अगर मैं पूरे chemistry लिखने बैठूंगा तो ये lecture पूरा इसी में खत्म हो जाएगा. तो chemistry के बहुत सारे branches हैं. Now organic chemistry मैं इनको एक-एक word में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे syllabus में organic chemistry भी है. हमारे सिलेबस में इनऑर्गेनिक भी है, फिजिकल भी है, एनालिटिकल भी है, सरफेस केमिस्ट्री भी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है. और बाकी जो केमिस्ट्रीज हैं इनके कुछ-कुछ टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं, लेकिन वो हमको उतनी डिटेल में पढ़ना नहीं है. बट ये जो बाकी केमिस्ट्रीज हैं, लिग्नोकेमिस्ट्री, ये किसके साथ डील करता है ये भी हमको समझने की जरूरत है. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होता है व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स. इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल कार्बन, अब आप कैसे पहचान सकते हैं कि एक मटेरियल कार्बन का, एक मैटर कार्बन का बना हुआ है या नहीं? फॉर एग्जांपल जो भी मटेरियल जलाने के बाद काला हो जाए, ब्लैक हो जाए, और फर्दर जलाने के बाद उसमें राख बन जाए, ऐश बन जाए, इट मींस इट कंटेन्स कार्बन. फॉर एग्जांपल एक टेबल है, वुड का टेबल है. जब हम टेबल को जलाते हैं तो पहले वुड कैसा हो जाता है? काला-काला हो जाता है. उसके बाद जब हम फर्दर उसको जलाते हैं तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है. इट मींस कि वुड में कार्बन है. अगेन जब एक इंसान को मरने के बाद इंसान को जलाया जाता है, सबसे पहले उसका भी रंग कैसा कैसा हो जाता है? काला काला हो जाता है. उसके बाद हम वो बोलते हैं कि अस्थियां गंगा में बहानी है, यानी कि वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है. इट मींस हम भी कार्बन के बने हुए हैं.
उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेटल्स, जो हमको मेटल्स के बारे में समझाता है. इट डील्स द स्टडी ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स. मेटालॉइड्स 8, 9, 10th में हम मेटल्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जैसे कि मेटल्स आर लस्ट्रस, ये शाइन करते हैं जब इनके ऊपर सनलाइट गिरती है. मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि मेटल आवाज प्रोड्यूस करते हैं जब उनको हम किसी ठोस चीज से ठोकते हैं तो आवाज करते हैं. मेटल्स आर डक्टाइल, कि इनको हम बड़े बड़े थिन शीट्स बना सकते हैं. मेटल्स आर मेलियबल, इनको हम थिन वायर्स बना सकते हैं. और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इसके अपोजिट. एंड मेटलॉइड्स का प्रॉपर्टी जो होता है, दैट इज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना. फिजिकल फिनोमिना रिलेटेड टू केमिकल्स. रिलेटेड टू केमिकल्स. रिलेटेड टू केमिकल्स. And it also deals with study of measurements, measurements and dimensions, measurements and dimensions. ये physical chemistry. Now, अब बहुत सारे बच्चे confused हो गए होंगे कि ये physical phenomena related to chemicals क्या है. यहाँ पे मैं एक example देके इसको समझाना चाहूँगा कि physical phenomena related to chemicals. For example, मेरे पास ये दो markers हैं. अगर मैं इनको देखो टच करवा रहा हूँ, मैं इनको क्या करवा रहा हूँ? टच. यानी क्या? मैं इनका फिजिकल टच करवा रहा हूँ. क्या करवा रहा हूँ? फिजिकल टच. अब फॉर एग्जाम्पल ये जो मार्कर है, ये मानता हूँ मैं ये सोडियम है. क्या है? सोडियम. ये मानता हूँ ये क्या है? क्लोरीन है. नाउ सोडियम इज केमिकल, क्लोरीन इज केमिकल. अब इनको मैं क्या करवाता हूँ? टच करवाता हूँ. टच मीन्स इनका रिएक्शन करवाता हूँ. यानी कि जब केमिकल्स आपस में टच करते हैं, रिएक्शन करते हैं, एट दैट टाइम उनके बीच में कितने जल्दी टच किया, कितने स्लोली टच किया, ये पूरा कौन समझाएगा हमको? फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है ना. उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स. इंस्ट्रूमेंट्स apparatus and finally it deals with the study of chemical composition. chemical composition chemical composition ये analytical chemistry है. now analytical chemistry में मैंने बहुत सारी चीजें लिखा. जब हम लैब में जाते हैं तो हम लैब में क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं चीजें कि इसमें क्या हुआ. फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं हम, कुछ एपरेटस यूज करते हैं हम, और लास्ट में हम क्या निकालते हैं कि ये सब्सटेंस किस चीज का बना हुआ है. उसको बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन. नाउ एनालिटिकल केमिस्ट्री हमको इसके बारे में समझाता है. उसके बाद रेट्रो केमिस्ट्री जो है, जो कि एक हायर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है. हमारे उतने इसके कंसेप्ट हमारे 11, 12 जेई एडवांस के यहाँ पे नहीं है, तो रेट्रोकेमिस्ट्री में समझाना चाहूंगा. रेट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या होता है? जनरली हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट गिव्स अस प्रोडक्ट. रिएक्टेंट गिव्स अस प्रोडक्ट. लेकिन ये तो इजी हो गया कि रिएक्टेंट है, उनको रिएक्शन करवाया तो हमको क्या मिला? प्रोडक्ट. लेकिन अगर तुमको दिया जाएगा प्रोडक्ट, क्या दिया जाएगा? प्रोडक्ट. और तुमको फाइंड करना पड़ेगा कि व्हाट आर द रिएक्टेंट्स. व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, यानी कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of conversion of products back into reactants is known as retrochemistry. और retrochemistry generally arrow ऐसे दिखाते हैं, generally chemical reaction में arrow ऐसे दिखाते हैं, लेकिन retrochemistry का arrow ऐसे होता है. retrochemistry का arrow ऐसे होता है. तो जब भी हम retrochemistry, हम आने वाले समय में higher classes में कोई engineering में select होगा, कोई अच्छी जगह पे select होगा, तो higher classes में जब भी वो chemical reaction करेगा retrochemistry के related में, तो ऐसे एरो को वहां पे यूज करना है. उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस फिनोमेना. सरफेस फिनोमेना यहां पे लिखता हूं मैं. इट डील्स विद सरफेस फिनोमेना. नाउ सरफेस फिनोमेना, फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। देखो दो वर्ड्स में लिखा है यहां पे एब्जॉर्प्शन और लिखा क्या एडजॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्पंज है, क्या है स्पंज, स्पंज को मैंने पानी में डुबाया, किसमें डुबाया पानी में डुबाया, पानी में डुबाने के बाद ये जो पूरा स्पंज है ये पानी इसके अंदर तक जाएगा, क्या जाएगा अंदर तक, तो मैं बोल सकता हूं कि स्पंज ने वाटर को एब्जॉर्ब किया है, क्या किया है एब्जॉर्ब, ठीक। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी में एक किशमिश डालता हूं, किसमें रेजिन, किसमें डालता हूं पानी में, तो पानी में डालने के बाद किशमिश थोड़ा फूल जाता है, थोड़ा फूल जाता है, लेकिन पानी में निकालने के बाद अगर तुम किशमिश खाओगे भी तो इसमें किशमिश का ही टेस्ट रहेगा, इसमें पानी का टेस्ट नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि किशमिश तो फूल गया है लेकिन इसने पानी सिर्फ सरफेस पे क्या किया है एब्जॉर्ब किया है, सरफेस पे एब्जॉर्ब किया है। व्हेन अ सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन, क्या बोलते हैं इसको एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के बारे में हमको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री हमारा एक चैप्टर है, CBSE में 12th में है और स्टेट बोर्ड में 11th में है। तो सरफेस केमिस्ट्री के भी दो पार्ट्स हैं, एक कोलाइडल सिस्टम है, एक आइसोथर्म है, लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडिच एडजॉर्प्शन, तो वहां पे भी जाने की जरूरत नहीं है। तो सरफेस केमिस्ट्री किसके बारे में समझाते हैं हमको, सरफेस फेनोमेना के बारे में। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमको समझाता है कि अबाउट न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस, जैसे कि हम बोलते हैं कि अल्फा रे बीटा रे गामा रे, जब हमने अल्फा पार्टिकल को डिके करवाया तब जाके क्या बना, लेफ्ट साइड में वो शिफ्ट हो गया, राइट साइड में शिफ्ट हो गया, यानी कि जो भी आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, कैसे हमने कार्बन से ऑक्सीजन बनाया, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन बनाया, वो सारे किस में आते हैं, दिस आते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बाद लिम्नो केमिस्ट्री में एक बार क्वेश्चन आया था कि लिम्नो केमिस्ट्री क्या होता है। लिम्नो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर, इट डील्स द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर एंड द प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस एंड द प्रोसेसिंग टेकिंग प्लेस इन फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर में क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक झील के अंदर, एक दरिया के अंदर, वहां पे कैसे एक्वेटिक लाइफ है, वहां पे कैसे फ्लोरा है, वहां पे कैसे फौना है, यानी कि वहां पे प्लांट सिस्टम्स कैसे हैं, वहां पे एनिमल सिस्टम्स कैसे हैं, उस पूरे चीज का स्टडी हमको कौन देगा, लिम्नो केमिस्ट्री। उसके बाद आएंगे हम सॉइल एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। सॉइल एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री ये ज्यादातर ये जो ब्रांच है ये किसानों के लिए ज्यादातर बहुत ही अच्छा ब्रांच है, तो किसान अपने सॉइल का टेस्ट करवा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई अलग अलग फसल होता है, वीट होता है, मेज होता, मतलब अलग अलग सॉइल में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कोई सॉइल ऐसा होता है जिसमें मेज उगाने के लिए, मक्के उगाने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कोई ऐसा होता है जमीन ऐसा होता है कि जिसमें बाजरा उगाने के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो सॉइल एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं, वो जमीन का, वो उस सॉइल का टेस्ट करते हैं और किसान को बोलते हैं कि भाई ये जो जमीन है इसमें ये तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें ये तरह के फसल तुम उगा सकते हो, यानी कि टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, ये सॉइल एंड एग्री केमिस्ट्री जो है वहां पे हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री जो है, अगर मैं बायो और केमिस्ट्री इन दोनों को अलग करूं, जैसे कि बायोलॉजी वी नो इट इज लाइफ, केमिस्ट्री वी नो रिलेटेड टू केमिकल्स, यानी कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स,
हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये पूरे जितने भी हैं, दीज आर बायोमोलिक्यूल्स, इनकी वजह से हम जिंदा हैं। तो इनके बारे में रिसर्च करना, पढ़ना, तो वो फील्ड कौन सा है? बायो केमिस्ट्री। तो ये कुछ ब्रांड्स ऑफ केमिस्ट्री थे जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, और ये किसके साथ क्या डील करता है वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, पॉज कर लो।